हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विजन सिनेमा कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 1.64 रुपये है और एक दिन में 4.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली। पिछले 5 दिन के अंदर 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, पिछले 1 महीनों में 31% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 3% के पॉजिटिव रिटर्न। कंटिन्यू अपर सर्किट लगने के बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट, देन साइडवे, देन अभी ये अपर सर्किट में देखने को मिला है। पिछले 1 साल के अंदर 15% के पॉजिटिव रिटर्न, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। कंटिन्यू लोअर सर्किट, देन अपर सर्किट, देन लोअर सर्किट, देन अपर सर्किट, यानी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटीज़ हमें देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में 25% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 43% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। यानी ऑल ओवर इस कंपनीज ने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, बट काफ़ी टाइम से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटीज़ एंड अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जैसा कि हम यहाँ बात करें, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है मूवी एग्जीबिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में कंपनी काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 करोड़ का है। स्टॉक का लो 1 रुपया, स्टॉक का है 2.44 रुपये। बुक वैल्यू 1.15 रुपया है। ROC नेगेटिव हमें देखने को मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है 3.84%। यहाँ बात करें प्रमोटर होल्डिंग तो 38% हमें देखने को मिल रही है और डेप्ट इक्विटी 0 है, यानी कंपनी डेप्ट फ्री है। यहाँ कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की बात करें तो कंपनी को कंटिन्यूस लॉस देखने को मिल रहा है और ये लॉस है यहाँ पे 2020 से, यानी कंपनी को 2020 से 2022 तक कंटिन्यू लॉस हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आप देख सकते हो कंपनी को कंटिन्यूस लॉस देखने को मिल रहा है 2017 से, यानी कंपनी 2017 से कंटिन्यू लॉस कमा रही है। बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पे काफ़ी कम हैं और गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ कंपनी का डेब्ट की बात करें तो वो 0 है, यानी कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। इसी के साथ यहाँ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो मात्र 38% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIS के पास 0.02% के स्टेक्स है, बाकी पब्लिक होल्डिंग 61% हमें देखने को मिली है। यहाँ बात करें कंपनी के BSE पर एनालिसिस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शंस में कि कंपनी ने डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट दिया है या नहीं दिया है। सन 2009 में इस कंपनी के स्टॉक को स्प्लिट किया गया था, तब 10 रुपये की फेस वैल्यू से 1 रुपये की फेस वैल्यू पर ये देखने को मिला था। यानी ऑल ओवर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी ज़्यादा वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जो कंपनी कंटिन्यू अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में देखने को मिलती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट इस कंपनीज में करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा और कभी भी छोटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप 1.64 रुपये का शेयर समझकर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये हो सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी आपको देखने होते हैं जो कि काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आप इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।